हेलो सो गाइज, वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो कि आपको लाइफ टाइम में काम में आने वाली है। और जब भी आपको चार्ट के ऊपर इस तरह की कैंडल आपको दिखाई पड़े तो आपको डेफिनेटली मार्केट में ट्रेड करने का है। और 95% आप देखोगे तो आपका ट्रेड सही जाएगा और आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही रहेगा। और इस स्ट्रेटेजी को आप इंडिया में जितने भी बड़े ट्रेडर्स को जानते हो, वो बड़े से बड़ा ट्रेडर्स इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, वैसे तो ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये चार स्ट्रेटेजी साथ में है, लेकिन हम पहले एक स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। तो जो पहली स्ट्रेटेजी है इनका नाम है 3 करो स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है आप समझ लीजिए पहले, कि किसी भी मार्केट है अगर एक सडनली डाउन ट्रेंड में चल रही किसी भी स्टॉक हो या किसी भी इंडेक्स हो, तो वो डाउन ट्रेंड में जाने के बाद इनका ट्रेंड रिवर्स होगा और उनका अप ट्रेंड आएगा। तो जब भी इनका अप ट्रेंड आएगा तो मार्केट रॉकेट की जैसे हवा में नहीं उड़ेगी, इसमें भी बीच बीच में आपको कर दिखाई पड़ेंगे। और ये जो कर होगा इनकी साइज आप देखोगे तो सेम साइज आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में जा रहा था, इसके बाद इनका अप ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन ट्रेंड शुरू होने से पहले ही इनका एक पहला कर आ गया। देखिए, तो इनका जो पहला कर था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो दूसरा कर यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ पर इनका तीसरा कर आया। अगर ये तीनों कर के अगर आप साइज देखोगे तो देखिए, पहले हम यहाँ पर देख लेते, तो यहाँ पर जब ये टॉप पे था तब ये मार्केट कहाँ पर थी, 42,400 पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक देखिए, यहाँ तक ये कर चला था, ये प्राइस कौन सी है तो 42,100 की है, ठीक है। अगर इनकी साइज आप देखोगे तो ये 300 पॉइंट का कर था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये पहला कर था, अगर ठीक है चलिए आपको समझ में नहीं था तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, लेकिन ये इनका जो दूसरा कर यहाँ से आएगा ना, ये भी एग्जैक्टली 300 पॉइंट का ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर मार्केट कौन से लेवल पे थी, ट्रेड कर रही थी 42,800 पे, ठीक है, 42,800। इसी यहाँ से यहाँ तक कर चला था, और ये कौन सी प्राइस है देखिए, 42,500 की, ठीक है। तो ये कितने का कर हुआ, 300, ये भी 300 पॉइंट का है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये तीसरा कर आया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर टॉप की थी, कितने पॉइंट की थी, 43,100 पे थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहाँ तक गई है तो 42,800 पर गई है। तो ये कितने पॉइंट का हुआ, 300 पॉइंट का। देखिए, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप देखोगे तो उसी के आसपास ये कर्व ख़त्म होगा। अब देखिए, इनको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो ये बात आपको यहाँ पर कंफर्म हो गई कि भाई ये जो कर आने वाला है वो 300 पॉइंट का होगा। तो अगर देखिए, ये जो लेवल है ना, वहाँ से ये लो जो लेवल है वो 300 पॉइंट का है, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, चाहे तो पुट आप ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपने पुट नहीं लिया फिर भी आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो, क्योंकि ये कर 300 पॉइंट का था, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये 300 पॉइंट तक रहेगा, इसके बाद यहाँ पर आप कॉल यहाँ पर ले सकते हो। और आप स्टॉप लॉस अगर इनको लगाना चाहते हो तो कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो ये एग्जैक्टली जहाँ पर इनका 300 पॉइंट ख़त्म होता है इसके नीचे आप इनको स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इनका पहला लेवल। दूसरा, आप यहाँ पर भी इनको ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर आपने पुट को बाय नहीं किया है लेकिन आप यहाँ पर कॉल को डेफिनेटली बाय कर सकते हो नीचे की साइड, क्योंकि ये भी जो कर रहेगा वो 300 पॉइंट का ही रहेगा। और इनमें आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हो, तो जहाँ पर आपने बाय किया वहाँ से नीचे आप यहाँ पर 300 पॉइंट के नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये इनकी पहली स्ट्रेटजी है। आपको लाइफ टाइम में कभी भी इस तरह के चार्ट पैटर्न दिखाई पड़े, इस तरह के कैंडल दिखाई पड़े,
तो आपको ट्रेड करना है। अब चलिए दूसरी स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं उसी चार्ट के ऊपर। तो जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है एम साइज। आपको चार्ट के ऊपर कभी भी जब भी आपको इस तरह की एम पैटर्न आपको दिखाई पड़े तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ट्रेड लेने का है। और यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो या तो फिर आप पुट को बाई कर सकते हो। और ये हमें दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक एम बन गया था, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्टली लेवल है वहाँ पर हम पुट को बाई कर सकते हो। तो इन फ्यूचर अगर इस तरह के चार्ट पैटर्न आपको दिखाई पड़े तो आपको डेफिनेटली ट्रेड करने का है। और यहाँ पर जो कि ये इनका पहला टॉप था, दूसरा टॉप यहाँ पर बना, इसके ऊपर आप अगर चाहो तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर बाय चांस ट्रेंड अगर रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पर आप निकल सकते हो। तो ये हो गई इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी। थर्ड स्ट्रैटेजी इससे उल्टी है। जैसे कि आपने यहाँ पर एम साइज पे आपने जो पुट को बाय किया था यानी कि शॉर्ट सेलिंग किया था, इसके बाद तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है डब्लू साइज, ठीक है। अगर डब्लू साइज की अगर आपको पैटर्न दिख जाए तो यहाँ पर आपको बाय का ट्रेड लेने का है यानी कि आपको कॉल लेने का है, ठीक है। और ये हमें चार्ट पैटर्न कहाँ पर दिखी थी, यहाँ पर दिखी थी। देखिए यहाँ पर W हमारा बना था तो यहाँ पर इनको हम बाय कर सकते थे। इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चली है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो अगर हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाते थे तो इनका W का पैटर्न जहाँ पर लास्ट में आता है ये वाला लेवल, ठीक है, वहाँ पर हम इनका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये हो गए थर्ड नंबर की स्ट्रैटेजी। अब हम फोर्थ स्ट्रैटेजी को भी बात कर लेते हैं उसी वीडियो में। चलिए जो फोर नंबर की जो स्ट्रैटेजी है ये है एन साइज यानी कि डबल टॉप। देखिए आपको जब भी एन साइज आपको दिखाई पड़े, इंग्लिश में जो एन होते हैं वैसे आपको इस तरह की अगर दिखाई पड़े तो आपको वहाँ पर सेल कर देने का है। अगर इसको हम एग्जैक्टली देखें तो ये डबल टॉप पैटर्न इनको बोलते हैं। पहला टॉप यहाँ बना, दूसरा टॉप यहाँ बना। इस तरह की आपको जब भी चार्ट पैटर्न दिखती है तो आपको सेल कर देने का है। देखिए यहाँ पर आपने अगर देखिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पुट बाय करने का है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप पुट बाय करते तो देखिए इसके बाद मार्केट कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है, ठीक है। और ये लेवल को आप ये अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये प्राइस को, तो ये प्राइस थी एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो तकरीबन 42,300 का आप मान सकते हो, ठीक है। 42,300 का ये प्राइस था और यहाँ से मार्केट देखिए कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है 42,000 तक। तो ये 300 पॉइंट का मूव था। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते एन साइज में यानी कि डबल टॉप पैटर्न तो यहाँ पर आप 300 पॉइंट का मूव कैप्चर कर सकते थे और अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आप जनरेट कर सकते थे। अगर इस स्ट्रैटेजी में अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपने देखे पुट को बाई कर लिया, इसके बाद ये जो पहला टॉप था इनका इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ पर हमने बाई किया था, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है मार्केट तो हम ये वाला जो टॉप था ना इसके ऊपर यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था तो यहाँ पर हमारा थोड़ा लॉस हो जाता है और यहाँ से हम निकल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए जब भी ये इस तरह की आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगी ना तो मार्केट थोड़ी नीचे ज़रूर जाएगी। और देखिए एग्जैक्टली चार्ट पे यहाँ पर यही हुआ, मार्केट नीचे गई, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट डेफिनेटली बन सकता था। और सेम चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का। तो आप यहाँ पर भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते थे और इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ तक नीचे चली गई। इसको भी हम देखें तो ये भी 42,500 का लेवल है। अगर नीचे की साइड देखे दो या तीन ही कैंडल अगर हम बात करें तो यहाँ से ही हमारा इतने में ही अगर प्रॉफिट आ सकता था क्योंकि 300 पॉइंट हमें इसी में दो तीन कैंडल में ही यहाँ पर मिल गया था हमें। तो इस स्ट्रैटेजी भी बहुत ही अच्छी है, आप इनको डेफिनेटली मार्केट में जब भी आपको इस तरह की कैंडल टल स्टिक पैटर्न दिखाई पड़े तो आप इनको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आपको जब भी
इस तरह के पैटर्न दिखाई पड़ती हो और आप ट्रेड करते हो, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करने का है। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हो और अगर मार्केट वहाँ से ट्रेंड इनका रिवर्स हो जाता है, तो ये चार्ट पैटर्न उल्टी भी हो सकती है और आपका यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो जब भी किसी भी चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हो मार्केट में, तो आपको डेफिनेटली जो स्टॉप लॉस है इनको फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। और जो ऑपरेटर होते हैं वो मार्केट में हमेशा रिटेलर को ट्रैप करते रहते हैं और पैसा बनाते हैं। तो ऑपरेटर भी सीखा हुआ है, ऑपरेटर को सब पता है कि रिटेलर लोग कहाँ पर ट्रेड करते हैं, कहाँ पर बाई करते हैं, कहाँ पर सेल करते हैं। तो इनके झांसे में हमें आना नहीं, अगर आप इनके झांसे में आ जाते हो तो टाइम पे निकल जाते कहें। अगर आप टाइम पे निकल नहीं जाते तो आपको वहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी टेक्निकल को अगर आप फॉलो करते हैं, तो एक और चीज़ आपको स्टॉप लॉस को भी फॉलो करने का है। देखिएगा, इस यहाँ पर जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, अगर इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं, तो साथ में आपको स्टॉप लॉस को भी फॉलो करने का है। यही स्ट्रैटेजी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हर स्ट्रैटेजी की बात कर रहा। चाहे आपने दूसरी कहीं जगह से सीखी हो स्ट्रैटेजी, अगर इनको भी आप अगर फॉलो करके मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपको ये कोर स्टॉप लॉस को डेफिनेटली फॉलो करने का है। क्योंकि आप जो टेक्निकल सीखते हो वो टेक्निकल ऑपरेटर भी सीखा हुआ है, उनको भी पता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी थी चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।